हेलो 42, अभिवादन आपका और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जहां एक तरफ लोग मोटापे और डायबिटीज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं कुपोषण भी एक चुनौती बना हुआ है। अध्ययन बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चे भारत में कुपोषित हैं और यह समस्या बच्चों तक ही सीमित नहीं है। 9 से 15 साल की उम्र के बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कैसे करें कुपोषण को दूर, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे 4 बेहद सस्ती चीजें जो मिटा सकती हैं दुनिया भर से कुपोषण। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे घरों में 40% सब्जियां और 30% दालें बर्बाद हो जाती हैं। लगभग 3000 बच्चे प्रतिदिन इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। 30% नवजात बच्चे जन्म के बाद दूसरा साल नहीं देख पाते क्योंकि उनको कुपोषण होता है। ये भयावह आंकड़े उस देश के हैं जहां 20,000 के फोन की सेल के लिए लोग इंतजार करते हैं, घरों में ढेर सारा खाना बर्बाद करते हैं और पड़ोस के कुपोषित बच्चे के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करते। पर 4 बेहद सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीजें कुपोषित बच्चों की हालत तेजी से सुधारने की क्षमता रखती हैं। अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि ये 4 चीजें हैं, सोया, मूंगफली, चने और केले। इन चारों चीजों से तैयार किए गए आहार से आंतों में रहने वाले लाभदायक जीवाणुओं की हालत में सुधार होता है, जिससे बच्चों का तेजी से विकास भी होता है। बांग्लादेश में बहुत से कुपोषित बच्चों पर किए गए शोध के नतीजों के मुताबिक सोया, मूंगफली, चने और केले से बने भोजन से लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से बच्चों की हड्डियां, दिमाग और पूरे शरीर के विकास में मदद मिलती है। कुपोषित बच्चे न सिर्फ सामान्य बच्चों की तुलना में कमजोर होते हैं बल्कि छोटे भी होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के पेट में लाभदायक बैक्टीरिया वगैरह या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं। इस शोध के प्रमुख रिसर्चर जेफरी गार्डन का मानना है कि कुपोषित बच्चों के धीमे विकास की वजह उनकी पाचन नली में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होना है। तो प्रश्न उठता है कि कुपोषण की समस्या से कैसे निपटें? यह शोध कहता है कि कोई भी आहार लेने से कुपोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती। वैज्ञानिकों ने बांग्लादेश के स्वस्थ बच्चों के शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया की किस्मों की पहचान की, फिर उन्होंने चूहों और सुअरों में प्रयोग किया और देखा कि कौन सा आहार लेने से आंतों के अंदर इन महत्वपूर्ण बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। इसके बाद उन्होंने 68 महीनों तक 12 से 18 महीने की आयु के लगभग 68 बांग्लादेशी बच्चों को अलग अलग तरह का आहार दिया। जिन बच्चों के खाने में सोया, पिसी हुई मूंगफली, चने और केले शामिल थे, उनकी सेहत में बहुत तेजी से सुधार हुआ। शोधकर्ताओं के अनुसार इस आहार से आंतों में रहने वाले उन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी जो हड्डियों, दिमाग और रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं। इस विशेष आहार को बनाने वाली चीजें न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि आसानी से भी उपलब्ध हैं और यह शोध साइंस जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि कुपोषण के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेफरी गार्डन और ढाका इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरिया रिसर्च के शोधकर्ताओं के अनुसार इस शोध का लक्ष्य कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का पता लगाना है। रिसर्चरों के अनुसार सूक्ष्म जीवी यह नहीं देखते कि यह केला है या कौन सी मूंगफली है, वे बस इसके अंदर पोषक तत्वों को इस्तेमाल करते हैं। यह फार्मूला जानवरों और इंसानों के लिए सबसे कारगर रहा और इससे कुपोषण से हुए नुकसान की भरपाई भी संभव है। गार्डन अपनी रिसर्च में कहते हैं कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं पाया गया कि यह आहार क्यों इतना कामयाब रहा। अब एक दूसरा ट्रायल किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि इस डाइट का बच्चों के वजन और कद पर क्या असर होता है। रिसर्चर मानते हैं कि सूक्ष्म जीवों के इस माइक्रोबायोम का असर पेट तक सीमित नहीं है, इसका संबंध इंसान की सेहत से है। यह तरीका ढूंढना होगा कि कैसे माइक्रोबायोम को ठीक हालत में रखा जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं कि माइक्रोबायोम आखिर होता क्या है। क्या आप जानते हैं कि इंसान से ज्यादा जीवाणु हैं? दरअसल अगर आप अपने शरीर की कोशिकाओं की गिनती करें तो उनमें 43% ही इंसानी कोशिकाएं हैं, बाकी माइक्रोबायोम है। माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और आर्किया। इंसान का जीनोम यानी इंसान की अनुवांशिक जानकारियां 20,000 जानकारियों से बनी होती हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है। ऐसे में माइक्रोबायोम को सेकंड जीनोम भी कहा जाता है।
और इसका संबंध बीमारियों जैसे एलर्जी, मोटापा, पार्किंसंस और डिप्रेशन के साथ साथ ऑटिज्म से भी होता है। तो अगर माइक्रोबायोम सुधरता है तो आप कई सारी बीमारियों से भी छुटकारा पाते हैं, और माइक्रोबायोम के साथ कुपोषण से भी छुटकारा पाने के लिए आप सोयाबीन, मूंगफली, चना और केले को अपने परिवार के भोजन का हिस्सा जरूर बनाइएगा और स्वस्थ रहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई जानकारी आपके परिवार को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।